हाँ बहुत मजेदार हवा, बहुत ही माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत रश है भाई, आज जुम्मा बहुत रश है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आप सब लोग जैसा तो हैं। और अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं, ये हमारा होटल है सामने, और जुम्मा की नमाज़ के लिए ये हमारी गाड़ी होटल से ले जाती है नमाज के लिए। तो बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, जुम्मा मुबारक है, हमने कहा जुम्मा अदा करते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से वहीं जाकर मुलाकात होती है। बस हम जल्दी जल्दी में आएंगे, जुम्मे पे हमें ज़रा आगे से सब मिल जाए। तो लेकिन आज रश बड़ा होना, बहुत रश होता है यहाँ पर, आपको पता जैसे कि। तो बस अल्लाह ताला ये सादत हार को नसीब करे जी। हाँ जी, चलें जी, निकल रहे हैं। बल्कि हम गाड़ी में बैठे हैं, बस गाड़ी निकलने वाली है, बस निकलते हैं और जुम्मा मुबारक अदा करते हैं। और आप लोगों की जैसे दुआएं करेंगे, जो पहले भी दुआएं की हैं आप भी करेंगे जी, सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। लो जी, गाड़ी हमारी निकल रही है होटल से। यहाँ पे और भी बड़े होटल बन रहे हैं, ये सामने वाला होटल है। फिर हम आपको ना दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह होटल का टूर भी देंगे, रूम टूर भी देंगे। बहुत अच्छा होटल है। खास बात है कि यहाँ ना हज और उमरा जो करने आते हैं ना, उनके लिए इन्होंने काफी सहूलतें दी। हाँ, सहूलतें छोटे बड़े सारे। हाँ, ये मतलब स्पेशल बसें भी चलती हैं, ये इनकी होटल वालों की अपनी भी चलती हैं। तो आप स्पेशल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चले जा सकते हैं, मतलब हरमैन शरीफ इन तक। हाँ, ऐसे ऐसे। तो पर ये सहूलत यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है। हम सुबह की पढ़ रहे थे, इसी बस में गए थे, इसी में वापस आ गए थे। और बाकी अब जोहर की जा रहे हैं, यानी जुमा भी हो जाएगा और जोहर की भी हो जाएगी। इसी तरह इंशाल्लाह शाम तक तो तकरीबन हम वहीं पे रहेंगे। शाम तक तकरीबन हम वहीं पे अब रहेंगे, फिर शाम को ही आएंगे। और अगर जो आना चाहता है वो आ सकता है और फिर दोबारा सर के लिए जा सकते हैं। हाँ, मतलब ये चलती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो जी हमारी बस चल पड़ी है, निकल पड़ी है। देखें जी, मक्का के अंदर पहाड़ियां हैं भाई, बिल्कुल सिटी के अंदर। हाँ, ये पहाड़ी इलाका, ये सूरज के मतलब वो आता है, खत इस्तवा में आता ही है ना ये ज़मीन, इस तरह मुझे शक पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पहाड़ियां नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं मतलब ऐसे ना, लेकिन पहाड़ी इलाका है मतलब पत्थरों वाला। हमने इधर ऐसे जाना है, इस साइड पर वो नज़र आ रहा है आपको क्लॉक टावर, वो दूर से नज़र आ जाता है, ऊंचा है ना तो दूर से नज़र आ जाता है। खजूर है माशाल्लाह, खजूर है, वहाँ फल भी लगा हुआ है खजूरों के, अभी भी कि सूखे हुआ था फल। मुझे लगता है सारी बिल्डिंग में से यही ऊंचा है। हाँ, ये ऊंचा है। हाँ, ये वो सब नज़र आ रहा है माशाल्लाह। बस हम पहुँचने वाले हैं, ये देखें साथ साथ लोग पैदल भी जा रहे हैं। हाँ, जो ज़्यादा करीब है वो हमारा थोड़ा सा होटल दूर है, लेकिन वो मतलब हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया था, 5 स्टार है तो सस्ता पड़ गया। करीब में भी सस्ते हैं, लेकिन वो फिर हल्के वाले आ जाते हैं। तो फिर हमने ये कोशिश की कि चलो अच्छा होटल हो तो दूर हो, लेकिन उसका दूर का ये फ़ायदा है कि ये हमें शटल ले आती ले जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आके बस रुक गई, देखो सारी बसें खड़ी हैं। उतरो 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 उतरो, चलो आ जाओ। आएंगे, चलते हैं मस्जिद। ये देखो जी, सारे हाजी बसों से उतर के जा रहे हैं। यहाँ बसें आके रुकती है, सारी की बसें खड़ी हैं, ये सब बसें सब होटलों से आती हैं। चलिए, हमें तो आगे सब मुश्किल मिलेगी, क्योंकि लोग ना यहाँ पे सड़कों पे जाए नमाज बिछा के बैठ जाते हैं। हमें थोड़ी सी लेट हो गई है, आगे तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ये है कि कहीं और करीब करीब मिल जाएगी। सब लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। जी हमें यहाँ जगह मिल गई है जी, बहुत रश है भाई, आज जुम्मा बहुत रश है। माशाल्लाह से जी नमाज जुम्मा अदा हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा रुक गए हैं,
सब लोग जाएंगे ना तो फिर रास्ता बन जाएगा, फिर हम आराम से आगे मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। ये मकामी भी यहाँ हुए थे ना? हाँ, बहुत रश होता है भाई, बहुत रश होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वहाँ पीछे तक लोगों ने लाइन लगाई थी। यहाँ पे जूते हैं जी, ये हटाना, ये बर्तन है जी, बड़े खूबसूरत से, बड़े प्यारे प्यारे से माशाल्लाह। ये तो इलेक्ट्रिक है, वो ऊपर लगी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे तकसीम हो रहा था, मैंने भी ले लिया। चले, चम्मच है? चम्मच में थोड़ा थाल खमने आए हैं। और मैं भी ले लूं? ले लूं मैं? ले ला, एक ले ला। ये ले रहे थे, फिर मैं आगे जाने लगी हूं तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा दो बंदे हैं तो बिरयानी है और भी मटन, वो चिकन है, चिकन बिरयानी है और ये भी है, एक दो हो गए। और गरम इतनी है ना, फुल गरम है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। साथ उन्होंने ये पानी की बोतलें भी दे दी। हाँ जी बिल्कुल, या उधर बैठ के नहीं खाएं? बैठ के तो आगे ही जगह है। अच्छा जी, यहाँ हमें एक जगह मिली है यहाँ पे, फिर हम सारे लोग यहाँ खा पी रहे थे, हमने कहा हम भी यही बैठ जाते हैं, तो ये निकालने लगे हैं। ये एक हमें मैट भी मिल गया जिसपे हमने रखा हुआ है। गरम बहुत है, पता नहीं किस चीज़ से गरम करते हैं, बड़ा गरम। चलें शुरू करें, इसी का चम्मच बना लो। हाँ, मुझसे सीखो आइडिए। कलर अच्छे, चलें जी शुरू करें। माशाल्लाह सर जी, अब क्या ले आए हो? ये कैवा मिल गया। अच्छा, देखा? मैं कहता हूँ यहाँ बंदा रहे, भूखा नहीं मरता। हाँ, ये तो है नगरी की सबसे बड़ा कमाल है। हाँ, बिल्कुल। रिस्क इतना है ना यहाँ पे, बहुत रिस्क। अल्लाह इतनी दूर दे देता है तो करीब इतना आए हैं तो फिर। हाँ, ये तो बात है, माशाल्लाह अल्लाह। बहुत यहाँ पे तकसीम होती, बहुत तकसीम होती है, मजेदार। भाई साहब, हमने भाई खाना शाना फिर पूज के खा लिया, पानी मतलब क्या ही बात है। तो अभी हमने थोड़ा सा टाइम रहता है नमाज का, तो हमने कहा थोड़ा सा इधर इस साइड पे भी चक्कर लगा ही लें, क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल, आ जाइए। तो अब हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पे इस साइड पे हम नहीं गए थे, इधर अभी जा रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। वो देखो मीना, मीना का मकाम। माशाल्लाह से जी, मगरिब का टाइम होने वाला है और अभी हम जा रहे हैं नमाज के लिए। सामने आपको नज़र आ रहा है जी हरमैन शरीफ़ैन और मस्जिदुल हराम, वहीं जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अगर मेरे ख्याल में शायद रहेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं लगता इसलिए। तो हमने अब सब लोग जा रहे हैं, तो हमने नहीं तो थोड़ा सा घुमा शुमा लगा लिया भाई, कुछ देख लें तो कुछ ना कुछ। हम इधर बस, हमें ज़्यादा होटल नज़र आए हैं यहाँ पे और शॉपिंग मॉल बने हुए, मतलब ना शॉपिंग की दुकानें हैं। तो अभी सारे जा रहे हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, बहुत रश होता है भाई जी, माशाल्लाह। अल्लाह नसीब वालों को यहाँ पर बुलाता है। और यहाँ पे देखें, इस साइड तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, मतलब कोई जगह ऐसी बचती नहीं है जहाँ पे इंसान आपको नज़र ना आए, हो ही नहीं सकता। तो सामने ये शावर भी शुरू हो गए हैं, ये ना हल्की हल्की गर्मी है ना, उस वजह से ना ठंड पैदा करने के लिए, मौसम माहौल बनाने के लिए ना ये ज़बरदस्त किस्म का ना हवा, वैसे बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन ना ये पानी वाला जो शावर मारते हैं ना, मेरे ख्याल में ये कूल डाउन करने के लिए ऐसे है ना। हाँ हाँ, ठंडा पानी। हाँ, बहुत मज़ेदार हवा, बहुत ही माहौल बना हुआ है। अभी ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह,
आम देखें जी, इधर भी और इधर भी। माशाल्लाह से जगह हमारी बन गई, यहाँ पे आगे मस्जिद में तो नमाज पढ़ते हैं जी। और अभी बहुत जनाना साइड वाल पे तकबीर है। हाँ जी, हो गई नमाज। चले चलो जी, अभी हम वापस जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इशा की नमाज पढ़ने आएंगे। अब सब लोग जा रहे हैं, अभी आप जमजम का टाइम आ गया। आप जमजम भाई इतना दिल करो पियो, माशाल्लाह माशाल्लाह। भरो भाई, मस्जिद से हम अभी निकल के इधर सामने आ गए। यहाँ रोलेक्स नज़र आई है, घड़ियाँ हम आपको दिखाएं कितनी महंगी हैं। हमने भी फर्स्ट टाइम रोलेक्स की शॉप देखनी है, तो प्राइस से पूछ लेते हैं। आ जाओ इधर आओ, इधर इधर। परफ्यूम है जनाब जी, जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं। 125 125 रियाल में है। हाँ, 125 रियाल कितने होते हैं भला? तकरीबन 100 रियाल, तकरीबन 8600 रुपये बनता है। 125 तकरीबन 10,000 रुपये था लगभग। ये वाला जो है 325 रियाल का। इधर भी बड़े माशाल्लाह, बाई 10 गेट वन पीस 100 सऊदी रियाल, एक खरीदो एक फ्री है। ये वाला भी 100 सऊदी रियाल का है, पर छोटे छोटे। हाँ, या फिर हमारे पैसे की कदर का ही नहीं, या ये बहुत महंगे है। हैं, क्रीम के भी तो खरीदते हैं, ये 30 रुपए में सऊदी रियाल में, ये भी अच्छा खासा कम जाता है। अब पता लगा, पहले आप 100 रियाल को कुछ नहीं समझ रही थी हैं, समझी होगा कोई 5-6 हज़ार। अच्छा जी, यहाँ पे ये ट्राउज़र पड़े हैं किस ब्रांड के? ये 75, 99, 90, 119, 1999 इस तरह की है जी। ये प्राइस वो वाली भी है 119। ओके जी, ये शॉपिंग है। यहाँ पे शॉपिंग भी बड़ी कॉस्टली है पाकिस्तान से, तो भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ, ये फिर आपको पता ना मेन हब है। हाँ, यहाँ पे बहुत चीज़ें महंगी है। हम ना जाएंगे ना आपको प्लाजे पे। फाइनली इशा की नमाज पढ़ने के बाद भाई साहब, फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से और जा रहे हैं अब होटल की तरफ। तो यहाँ से लेते हैं पानी, जाते जाते थक पड़े हैं तो पानी ले लेते हैं। चलो रेली, चलो
अच्छा जी, ये है बस स्टॉप। ये जितने भी आप लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब होटलों के जाने वाले हैं और बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी होटलों पे बसें आती जाती हैं तो ये चढ़े जाते हैं। तो चूँकि इशा के बाद का टाइम है तो ये है कि भाई सब लोग ना अब निकल के होटलों की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखो अब बसें ऐसे आ रही हैं और ये लोड करके जाती रहेंगी तरफ। हाँ जी, बस आ गई हमारी। हाँ बहुत रश है, ये देखो चढ़ने वाले कैसे हैं, बहुत रश। खोलो, पहुँच आए जी हम अपने कमरे में। देखो अंधेर बचा के थे। अब तो हिम्मत नहीं। चल खोलो, चलो पानी हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। हाँ हैं, पानी बहुत इकट्ठा। अभी मेरे बैग में भी है पानी। पानी बहुत मिलता भाई, इतना दिल को रुपयो। अच्छा जी, एक फोन आ चुका है। हाँ जी, मक्का में भी हमें कुछ मिलने वाले आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने उनके लिए खाना भी तैयार कर रखा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। घर के सूखे बादाम अखरोट जिहड़े असीं ड्राई फ्रूट अपने वास्ते आंदे आ ना, ओह मेहमानां वास्ते पाकिस्तानी। माशाल्लाह, अखरोट के अम्मा के टिकड़े भी हैं देने के लिए। हां टिकड़े भी बड़े, मैं लगता है खड़ो कम दा पिया मान आ गए ना। फोन तो आया ना अभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई जान। अच्छा जी, तो भाई साहब आ चुके हैं हमें मिलने स्पेशली मक्का में हमारे होटल पे, और ये आए हैं जद्दा से। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारे कमेंट्स में होते हैं दी बसीर एक्शन के नाम से कमेंट्स, और हमारे देखने वाले अक्सर ये कमेंट्स पढ़ते होंगे। ये 4 साल हो गए। हाँ, मुसलसल जो कमेंट आता है, मुसलसल जो कमेंट आता है। भाई साहब वीडियो नहीं जो मैं आपको, कोई पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ती हूं। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों के जो असल जो चीज आपकी जो लाइफ है आपकी और जो यूट्यूब लाइफ है वो बिल्कुल जो है क्लियर है, और जैसे आप लोग आज मिले बहुत खुशी, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, और यूट्यूब में भी आप ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं आप लोगों में। वैसे ये आप दिल से बात कर रहे हैं, हमें अक्सर लोग कहते हैं हम बड़े ड्रामाबाजी हैं। आपको मेरे अंदर से झूठ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम, और जितने मैं पाकिस्तान आऊंगा पंजाब की तरफ आऊंगा वो आप लोगों से मिलूंगा जरूर जरूर। आप समझ आइए भाई साहब, अक्सर गल आंदे हो कि असि ड्रामा कर दे, नहीं कर दे यार, असि हैं ही हो जाए जी, हो जाए हैं। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी है ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे आप लोग हैं वैसे ही। इसलिए मैं मिलने आया, मैंने सुबह जॉब पर भी जाना है, आपने भी नमाज पढ़नी है सुबह जाना है, लेकिन मैं इसलिए आ जाया हूँ कि आप लोग जैसे हैं वैसे ही। माशा, तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, और मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है कि मुलाकात हुई आप लोगों से। बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में जब मैं किसी वक्त भी गया तो आप लोगों से लाजमी तौर पर मुलाकात होगी। आप लोगों के मैंने पकौड़े खाने जरूर जरूर, पकौड़े खाने, पकौड़े और साथ सब्जी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो खानी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। खुश रहें, और आपको लोगों को उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका बाकी उम्रे का और मदीना की ज़ियारत आसानी के साथ आपके लिए आसानियाँ पैदा हो। बड़ी बड़ी बहुत शुक्रिया।